फ्रेंड्स, ये एलजी का टीवी है, 24 इंच का एलईडी टीवी। तो इसमें मेन बोर्ड जो था वो पूरे तरीके से वो जला हुआ था, मतलब मेन आईसी भी गया हुआ था। कुछ स्टेप डाउन के लिए जो आईसी लगे होते हैं वो सारे आईसी इसमें डैमेज था। तो जैसा कि ये बोर्ड देख रहे हैं, यूनिवर्सल बोर्ड, इसमें हम लोग यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, इसका पुराना वाला बोर्ड हम लोगों ने हटा दिया है और ये यूनिवर्सल बोर्ड का सेटिंग कर रहे हैं। इधर ये इसलिए लगा दिया है कि डस्ट वस्ट ना जाए और ये बाहर से देखने में अच्छा लगे। इधर इस किनारे पे हमने ये लोहे वाले फ्रेम को सेट किया है। ये पूरा का पूरा आपके सेटिंग करने के तरीका पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैसे सेटिंग करते हैं। जितना अच्छा आप सेटिंग करेंगे उतना ही ये चलेगा और यूज़र को भी यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डबल टेप लगा के हम लोगों ने इसे, ये यहाँ पे देखिए तो इस तरह से ये बाहर आ रहा है। तो ये सही है। बिल्कुल बराबर में करके रखना है आपको। इसके होल के सामने एक होल कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत ना आपको चेंजेस करना पड़ता है बोर्ड को ढंग से एडजस्ट करने के लिए। एक होल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से ही करके रखा है, अब इसे स्क्रू की सहायता से कस देते हैं। कसने के बाद LVDS केबल हमने ऑलरेडी पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखा है। ये 5 पेयर का नॉन HD डिस्प्ले है LG का, तो इसके हिसाब से LVDS केबल ऑलरेडी बना हुआ है और जो रेजुलेशन है पैनल का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिन फाइल भी अपना अपडेट है। तो अब हमें इसे सेट करके अच्छे से और फाइनली टीवी ऑन करके, यहाँ पे देखेंगे तो बैकलाइट कार्ड अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब इसे अच्छे से कस के और ये जो कुछ भी है यहाँ पे सारे वायरिंग को दुरुस्त करके और ऑन करके फाइनली सर्विस मोड से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू के सहायता से यहाँ पे इसको जाम कर दिया है, ये अब हिलेगा नहीं। और इधर देखें तो ये अपना जो भी ज़रूरत का पोर्ट है वो सारा यहाँ पे बाहर है। और पावर एडेप्टर को हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बन रहा था। अब इसमें क्या करते हैं, स्पीकर LVDS और ये बैकलाइट का कनेक्शन जोड़ लेते हैं। स्पीकर कितनी दूरी पे रहेगी, यहाँ से स्पीकर तो आ जाएगा इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर के लिए इसको तो ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे और ये अपना बैकलाइट भी इधर से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
तो वायर यहाँ पे थोड़ा सा हैवी रखना होता है। खैर हम लोगों ने नॉर्मल वायर का ही यूज किया है। ये तो आराम से, चलो बैकलाइट का पहले कर लेते हैं, बैकलाइट का कनेक्शन कर लेते हैं। दोनों ग्राउंड है, अच्छा है। चिपक जा, ये इनेबल का पिन हुआ। सॉरी, इनेबल पिन आपका यहाँ आएगा। ये यहाँ से मेन वीसीसी मिल जाएगा इसका। और क्या करना है, हाँ एलवीडीएस को लगा देना है। एलवीडीएस कनेक्टर आपको सीधा लगाना है, और जो वोल्टेज के लिए जम्पर सेट करते हैं वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कम वोल्ट वाले पैनल में गलती से अगर अधिक वोल्ट पर जम्पर सेट हो गया तो पैनल का आईसी जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा पैनल। अब ये स्पीकर बच रहा है, वायर थोड़ा सा छोटा है, इसमें हम ना वायर ही बदल देते हैं, फ्रेश वायर लगा लेते हैं बड़ा सा। बस जोर देना है। छुड़ गया, छुड़ गया। अब इसे बोर्ड पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अरे यार कट रहा है, पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। ये बड़ा है, थोड़ा छोटा रहेगा तो इधर उधर ये फैलेगा नहीं। जोड़ दे ना भाई, जुड़ते जा, तू जुड़, बहुत अच्छे, तू भी कनेक्ट हो। ये क्यों नहीं हुआ, जगह तक नहीं पहुंच रहा है। जोर से बैठ, ये अपने जगह पे है, ये भी अपने जगह पे है। इसे थोड़ा सा टेप कर देते तो अच्छा होता। एलवीडीएस को अलग रखते हैं, ये दोनों पॉइंट को अलग रखते हैं।
अरे एक चीज़ तो बच रहा है, ये आयर का कनेक्शन भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें तो इतना कुछ करने का अपना इरादा नहीं है, इसको सीधा इंडिकेटर और आयर कनेक्ट कर देते हैं। इसका कनेक्शन देखना ज़रूरी होता है। कई बार आप पुराने वाले बोर्ड से भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता चल जाता है। अक्सर ये समय 7 नंबर का पिन आयर होता है। खैर कोई नहीं, ये जो मोटी वाली लेयर है ये ग्राउंड का होता है, तो इसे ही खुरच डालते हैं हम लोग। अच्छा तो ये तो कंफर्म है, ये पिन ग्राउंड हो गया। इसके देखते कोई दो पिन सटा हुआ भी है क्या, 4 पिन दिख रहा है इसमें। ग्राउंड कौन सा था ये? अच्छा जी, अच्छा, 2 पॉइंट इसका ग्राउंड है, एक उधर से और एक इधर से। सही है, ये दोनों ग्राउंड है। अब ये दोनों में से कोई आयर होगा और कोई VCC होगा। अक्सर क्या होता है कि VCC को फिल्टर करने के लिए एक PF आपको मिल जाता है आमतौर पे, और कुछ ओम्स के रजिस्टर से इस पे 3.3 वोल्ट दिए जाते हैं। अच्छा, ये पैरेलल में एक PF है और एक फ्यूजेबल रजिस्टर है। ये पॉइंट में भी VCC है, पहला वाला पॉइंट, 12 नंबर वाला पॉइंट, 12 नंबर वाला पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर पॉइंट आयर है क्या? क्योंकि ये एक बार इतना कंफर्म याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है। इधर से 7 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहाँ पे 11 नंबर का पिन आपका IR दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए हम लोग तो 12 नंबर का पिन आपका VCC दिखा रहा है। ग्राउंड का तो कोई इशू नहीं है, आप आसानी से कहीं से भी ग्राउंड उठा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग इसमें IR का कनेक्शन कर देंगे। और रही बात इंडिकेटर की, तो चलिए उसे भी जला देते हैं। ये भी बेचारा क्या याद करेगा, ले भाई जल जा। तो इस सर्किट पे देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत में पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट होता है और नेगेटिव को ट्रांजिस्टर से कंट्रोल किया गया होता है, इस तरह के बहुत सारे सर्किट में। और बोर्ड से जब ऑन होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट 3 वोल्ट निकलता है, तो अगर आप वैसे अगर जोड़ते हैं तो डिस्टर्ब कर देता है कई बार, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बेस पे जब 3 वोल्ट पहुँचते हैं तो वो सही नहीं होता है, वहाँ पे लो पहुँचना चाहिए। तो इसे हम लोग अपने तरीके से निपटाते हैं। ये आमतौर पे आपका 3 वोल्ट का LED होगा ये। इसका देखते हैं कि कोई पॉइंट ग्राउंड भी है क्या। तो
इसे उस तरह से भी चेक करके बना सकते हैं, लेकिन अगर समय का अभाव हो तो इतना कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आप सीधा अपना टेक्नीशियन वाला दिमाग अप्लाई कर सकते हैं इधर, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है भाई? चलो सही, लोगों ने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। एक बार आप चाहे तो इसको फाइनली चेक भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने देख लिया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं दिख रहा है, कुल मिला के सब ठीक ठाक ही है यहाँ। तो इसे अब पैक करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप ज़रूरत के हिसाब से टेप भी लगा सकते हैं कि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो। एक टेप भी आप यहाँ पे डाल दें तो अच्छा होता। इसमें बाकी का जो सेटिंग है वो सब हम लोग सही कर लेते हैं। ये सही है, चलो सही है। और इस तरह इसमें जो लोगो वगैरह डालने का काम होता है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और एक वीडियो फाइल प्ले करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इसमें ऑडियो वगैरह और जो पिक्चर क्वालिटी है वो किस तरह का है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे फिर से सुधार भी सकते हैं इसके सर्विस मोड में जाके। दो चार गाना कॉपी करके दीजिए इसमें। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लोगो भी सेट करके रखा है, तो आप देख सकते हैं ये ऑन होने के बाद यहाँ पे आपका लोगो दिखेगा। ये है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। तो मिला के सब कुछ ठीक ठाक का ही। शादी ओके कर दी है प्रीतम से। ये पूरी तरह हो चुका है।